मैंने 50 रुपए में आम खरीदे या खरीदा। मैंने 1000 रुपए में जीन्स खरीदा कल। उसने 100 रुपए में सेब खरीदा। यहाँ पर सेब छूट गया है, यहाँ पर सेब होगा, कोई भी सामान आप लिख सकते हैं। तुमने 100 रुपए में क्या खरीदा जो मैंने तुम्हें दिया था। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। यहाँ पर मे के लिए हम लोग प्रेपोजिशन इन का यूज नहीं करेंगे बल्कि किसी और प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर खरीदने की बात हो रही है, तो आपको बॉट राइट करना पड़ेगा, मीन्स बाय का सेकेंड फॉर्म, बाय बॉट बॉट, तो बॉट राइट करेंगे। उसके बाद आपको नाउन राइट करना पड़ेगा, जिस भी चीज को खरीदने की बात हो रही है। आफ्टर दैट हम लोग प्रीपोजिशन जो है फोर का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम लोग को अमाउंट भरना है, जितने भी रुपए में आप खरीदे हैं उसको राइट कीजिए। या तो ये वाला अमाउंट का साइन लिखिए या तो RS लिख सकते हैं। अब इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैंने 50 रुपए में आम खरीदे या खरीदा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई बॉट मैंगोज फॉर 50 रुपीज, आई बॉट मैंगोज फॉर 50 रुपीज या रुपीज 50। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने 1000 रुपए में जीन्स खरीदा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई बॉट जीन्स फॉर 1000 रुपीज, आई बॉट जीन्स फॉर 1000 रुपीज। क्योंकि जीन्स हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। अगर 2-3 आएगा तो उसके साथ आएगा नंबर। तुमने 100 रुपए में क्या खरीदा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा व्हाट डिड यू बाय फॉर 100 रुपीज, व्हाट डिड यू बाय फॉर 100 रुपीज। हे गाइस, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।